इन चीज़ों के साथ करता था, मैं स्केचेस बनाता था, गार्डनिंग करता था और ऐसी चीज़ों के साथ खेलना मेरा शौक था, एक पैशन था। फिर धीरे धीरे ये पैशन मतलब मेरे में उभरा, इम्प्रूवमेंट आने लगी, फिर डिफरेंट थिंग्स बनाने लगा आउट ऑफ बोन्स, आउट ऑफ वुड, आउट ऑफ पोर्कुपाइन क्विल्स। देखिए ये हड्डियाँ हम फेंकते, मतलब इनका मीट हम खा के फेंकते, फिर अगर इन हड्डियों को हम अच्छे से यूज़ करें बिना फेंके, हम इसके चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, डेकोरेटिव पीसेस बना सकते। इससे क्या होगा कि जो मतलब एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, जैसे कि मेटल्स है, बाकी चीज़ें हैं, मतलब उन पे कम असर पड़ेगा अगर हम इस चीज़ को यूटिलाइज करें अच्छे से। ये एक इको फ्रेंडली थिंग है, हमें इस चीज़ पे बहुत काम करना चाहिए, ये एक सस्टेनेबल तरीका है टू डू थिंग्स। तो कैसे आपको ये आइडिया आया कि हड्डियों के साथ ये किया जाए? जी मैं बचपन में ही कुछ खेल रहा था हड्डियों के साथ, तो अचानक से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बन गया, मैं ग्राइंड कर रहा था हड्डी को तो छोटा सा ऑब्जेक्ट बना, वो मतलब हार्ड भी था और मैं खुश भी हुआ कि हड्डियों को मतलब तराशा जा सकता है, इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने ट्राई की बहुत सी चीज़ें हड्डियों पे। हड्डियों का एक चीज़ है, ये ब्रिटल होती है, मतलब इन पे काम करना बहुत पेशेंस होना चाहिए उसके लिए, तो मैंने पेशेंस बरकरार रखी, तो इनको काव किया, इनकी कटिंग की, ग्राइंडिंग की, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए इससे। तो